बसपा की दबंग विधायक रामबाई पर एक एक कर मुसीबतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में विधायक के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, वहीं भाजपा के नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने विधायक रामबाई और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर हमला बोला। दमोह के पथरिया में सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रामबाई का परिवार संगठित अपराध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हत्याकांड के तमाम आरोपियों को एक ही जेल में रखा गया है और वहां से वो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मलैया ने बकायदा उदाहरण देते हुए बताया कि रामबाई के परिजन जेल के भीतर से अपराध और लोगों को भयकारित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबों को धमका कर जमीनें हड़पने का आरोप भी लगाया है। इन तमाम बातों को लेकर सिद्धार्थ मलैया ने मौजूदा सरकार से नुमाइंदों और बड़े जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिद्धार्थ के मुताबिक जिले और सूबे के बड़े नेता इस अराजकता के खिलाफ मौन है, जो सोच का विषय है। मलैया ने इस मामले में आगे कहा कि इस मामले के और भी आरोपी फरार है जिन्हें पकड़ने के प्रयास नहीं हो रहे, जबकि सबको पता है कि वो कहाँ है। क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा? पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कुछ प्रश्न है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाने का उद्देश्य था। मैंने अभी आपको बताई थे आप थे उसमें कि प्रश्न ये थे कि कार्रवाई जो कर रहे हैं आप, ये कार्रवाई आप पहले भी कर सकते थे, पहले भी आप बिना दबाव के थे, आप कार्रवाई कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों ज़रूरत होती है ये बातें कहने के लिए, और तभी हम कार्रवाई करें। कार्रवाई नैसर्गिक रूप से स्वतः होनी चाहिए थी, और आज भी कुछ अपराधी हैं जो बाकी हैं, जो हमें पता है कि कहां पर हैं। सामान्य लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता होंगे, तो उनको पकड़ना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी पकड़ेंगे क्या? एक महिला को जमीन विवाद को सुलझाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। वो न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी तक पर चढ़ गई, जिसके बाद उसे तहसील कार्यालय से समस्या के हल का आश्वासन मिला था, लेकिन फिर भी अब तक महिला न्याय की आस में भटकने को मजबूर है। कुछ दिन पहले रेहटी में ये महिला रिश्तेदारों से जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, जिसको तहसील कार्यालय से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं जब महिला तहसील कार्यालय पहुंची तो वहां भी उसे दिन भर भूखे प्यासे भटकने को मजबूर होना पड़ा। जब महिला ने अधिकारियों के सामने गुहार लगाई तो वहां से भी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया जाने लगा, तो वो भड़क गई और अधिकारियों को बच्चों समेत आत्महत्या की धमकी दे दी। ये जहर खाएंगे या तो हमारी जमीन नाप दो तो हम कमाएंगे खाएंगे, और नहीं तो जो जहर की डब्बी रखी है हम खा लेंगे। आज की तारीख में जमीन नाप दो हमारी 2 एकड़ 30 डिसमिल बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अधिकारी ने मुंह मोड़ लिया हमसे। कौन से अधिकारी थे? यहाँ तोमर साहब बैठे थे, कहने लगे तुम बैठो, और वो उठ के चले गए, हमसे कुछ नहीं बोला। कब की आई आप लोग यहाँ? मैं सुबह से बैठी हूँ यहाँ। दो बहने दो भाई होने का कहना है, 2 एकड़ 30 डिसमिल इनका हिस्सा है, तो कलम कटवा देंगे, भेजते हैं नापने के लिए, चाह रही है नापने के लिए, क्या है कलम कटवा देंगे। 16 मार्च की शाम बड़ा मलहरा में कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप की हुई हत्या के मामले में 21 अधिकारी कर्मचारियों की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित किए गए इस 21 सदस्यीय दस्ते ने 4 दलों में बंटकर 5 संभावित स्थानों पर छापेमारी की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह गुरुवार को दिवंगत नेता इंद्र प्रताप के गृहग्राम पठिया पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता के परिवार और उनके बच्चों से मिलकर ढांढस बंधाया। बड़ा मलहरा में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिवंगत नेता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से कहा कि कांग्रेस हर मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता के बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की। इस मौके पर मीडिया से संक्षिप्त चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और दिवंगत नेता की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बीते दिन परिजनों के सामने 3 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और एसडीओपी राजाराम साहू स्वयं इस 21 सदस्यीय टीम की कार्यवाहियों की सतत समीक्षा कर रहे हैं। उधर ग्राम पठिया में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों के घर में ताले डले हैं, उनके घरों को कोई नुकसान न हो इसके लिए गाँव में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैंने
ऐसी शासकीय व्यवस्था मेरे राजनीतिक जीवन में 50 साल में नहीं देखी। किस तरह से यहां पर पुलिस के संरक्षण में गुंडे राज कर रहे हैं, फरारी काट रहे हैं, जेल तोड़कर भागने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी व्यवस्था जीवन में नहीं देखी। आज से 5 साल पहले भगवत सिंह की हत्या होती है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ की जमानत भी हो जाती है सर, लोग जेल तोड़ के भागते हैं, फरार है, पुलिस मौन है। फिर एक रकुआ अरवार की हत्या होती है, दो एक लोग पकड़े जाते हैं, बाकी लोग फरार है। उसके बाद नर्मदा अरवार की नाक काटी जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंद्र प्रताप आवेदन दे दे के परेशान है कि मेरा भाई मार डाला गया, मुझे मार डालेंगे, मुझे सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा नहीं दी गई। बंदूक के लाइसेंस की मांग की गई, वो नहीं दिया गया। और अब इंद्र प्रताप की हत्या कर दी। और जो एक कंप्लेनेंट है, जो अक्यूज है वो अपना नाम अस्पताल खरगापुर में पर्ची कटवाने के लिए जाता है, मेरा पेट में दर्द है, डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर कहता है उसको कुछ नहीं था, तो मैंने उसको रवाना कर दिया। ये केवल अपराध बोध का एक ये प्रकरण है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम एक दिनी प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद गिरीश गौतम पहली बार इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाजन को शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद गिरीश गौतम खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश का पूजन अर्चन कर उनसे प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर कामना की। इस दौरान गिरीश गौतम ने कहा कि वो इंदौर में विशेष तौर पर सुमित्रा महाजन से मुलाकात करने आए हैं, और इस मुलाकात के दौरान वह एक पात्र लेकर ताई के समक्ष पहुंचे हैं, जिसमें ताई को जो भी सही लगेगा वह आशीर्वाद के रूप में देंगी, जिसे लेकर वह रवाना होंगे। वहीं गिरीश गौतम ने सुमित्रा महाजन को अपना गुरु बताया। इंदौर आकर के ताई का आशीर्वाद लेने आया और इसीलिए उनके निवास पर आया हूँ, कोई शालीनिक कार्यक्रम नहीं है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, इसके बाद भोपाल लौट गया। हमारी गुरु है, इसीलिए गुरु मंत्र लेने आया हूँ। मैं आया हूँ लेने, तो मैं कुछ सीखने आया हूँ ना, तो सीखने आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा ना, कुछ तो लेके जाना अपने को। यदि हम आए हैं, पात्र लेकर खड़े हुए हैं, हमारे पात्र में जो ये डाल देगी वो लेकर के मैं चला जाऊंगा। मैं तो पात्र लेकर के खड़ा हूँ इनके सामने ना, तो पात्र लेकर के कोई सामने खड़ा होता है तो डाल, इनका काम है कितना हमारे पात्र में डालती है, वो लेकर जो दे देगी वो लेके चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विधायक पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहले सागर रेंज आईजी ने 30,000 रुपए की राशि बतौर इनाम घोषित की थी, लेकिन प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 की है। इस मामले में गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 15 टीमों के अलावा एडीजी विपिन माहेश्वरी के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी की 5 टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। पूर्व में आईजी सर के द्वारा 30,000 की इनाम घोषित की गई थी, कल मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा उस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई।
पिछले दिनों जंगल क्षेत्र से तेंदुआ शहरी क्षेत्र में पहुंचा था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए का रेस्क्यू किया था। पूरी घटनाक्रम में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें एक 11 महीने की बच्ची भी घायल हुई थी, जिसकी शुक्रवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इंदौर के लिम्बोदी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में रहने वाले चौकीदार सुनील के परिवार पर खूंखार तेंदुए द्वारा हमला किया गया था, जहां तेंदुए के हमले में कई लोगों के साथ 11 महीने की बच्ची को भी तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था, जिसका उपचार शहर के निजी अस्पताल में किया जा रहा था। तो वहीं बच्ची के शरीर पर गंभीर घाव होने के चलते निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। अंदर ही घुस गया था घर में आके, तो बच्ची पे भी हमला कर दिया। दो बच्चियां थी अंदर, और फिर पापा आए थे बचाने, तो लगभग पापा को भी काट खाया हाथ में, तो बच्चियों को भी मतलब पेट में भी लग गया पंजा, और यहाँ भी लग गया सिर पे। तो उसको मतलब एक छोटी एक बच्ची है मेरे 13 साल की बहन है, तो उसको भी मतलब पेट पे भी बहुत ज़्यादा लग गया है, तो उसका भी मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो पापा का भी। खैर, पूरे 6 दिनों में अन्य घायलों को उपचार कर घर पहुंचा दिया गया था, लेकिन 11 महीने की बच्ची भूमिका की स्थिति काफी नाजुक होने के कारण उसका उपचार चोइथरा में चल रहा था। बच्ची के पेट में काफी गहरा घाव होने से मौत का कारण बना है। बेसिकली भूमिका गाड़ेकर करके बच्ची आई थी हमारे पास में, 11 तारीख को आई थी लेपर्ड बाइट की वजह से, और उसके अंदर मल्टीपल बाइट्स थे, उसकी वजह से उसको परफोरेशन पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया, जिसके लिए जो लेप्रोटॉमी नाम का प्रोसीजर होता है वो हमको करना पड़ा, और उसके बाद में भी ट्रीटमेंट को हम पूरा कंटिन्यूस हमने किया, बट चूँकि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी तो इसकी वजह से हम नहीं बचा सके। मेरी हार्दिक संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। नकली नोट छापकर अन्य प्रदेश में चलाने वाले दंपति को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंपति की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 12 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पत्रकारों से जानकारी मिलने के बाद रतलाम पुलिस ने दंपति के घर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस ने नकली नोटों के साथ छापने में उपयोग की जाने वाली कई सामग्रियां भी जब्त कर ली हैं। गुजरात पुलिस ने रतलाम निवासी एक महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर इनसे लाखों रुपयों के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की हिरासत में आए युवक ने पुलिस को खुद का नाम रवि गुप्ता और पत्नी का नाम विभा गुप्ता बताया था। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना नाम राहुल कसेरा और पत्नी का नाम मेघा निवासी माहेश्वरी धर्मशाला के पास कसेरा बाजार रतलाम का होना बताया है। पति पत्नी की जोड़ी को बुधवार को कच्छ के भुज शहर में लगभग 12 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। दंपति राहुल कसेरा और मेघा ने 2000 और 500 रुपए के नकली नोटों का उपयोग करके 6 से 7 दुकानदारों से मोबाइल फोन, कपड़े और जूते खरीदने में कामयाबी हासिल की थी। तो वहीं रतलाम पुलिस अधीक्षक ने दंपति के घर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए नकली नोटों सहित नकली नोट छपने वाली मशीन के साथ कई सामग्री जब्त की है। पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के अन्य ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है, जहां से अन्य सबूत और मिलने की संभावना है। साथ ही अभी गुजरात पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अगर गुजरात पुलिस के द्वारा कोई सूचना या कोई अन्य निशानदेही या किसी अन्य का नाम सामने आता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। नोट काउंट करने की मशीन मिली है, प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैम्प वो मिला है, कार्टरेज मिले हैं, इंक मिला है, और कुछ नकली नोट मिले हैं। अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी सर्चिंग जारी है, लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी भूमाफियाओं के काले कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां भूमाफिया द्वारा उतारा गृह निर्माण संस्था के फर्जी कागजात बनाकर धोखाधड़ी की गई है। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष कुणाल द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि यहाँ के कुछ भूमाफियाओं द्वारा संस्था के फर्जी कागजात तैयार कर उसका संपत्ति कर भी भर दिया। वही फर्जी कागजों के माध्यम से ही प्लाटों की रजिस्ट्री करा ली गई। पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच कर ये पाया कि फर्जी कागजात के आधार पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 10 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 10 से अधिक प्लाटों की फर्जी रजिस्ट्री इन भूमाफियाओं द्वारा कराई गई है। ये विदुर नगर गृह निर्माण संस्था है, यहाँ
तो उसके अध्यक्ष कुणाल, तो उन्होंने हमें एक आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ के जो प्लाटों पे कुछ लोग जो है नकली कागज बना करके और उनको बेच दिया है। तो हमने जब उसकी जांच की तो ये पाया है कि वो आरोपी गणों ने गृह निर्माण संस्था के नकली कागज बना करके और उस आधार पर नगर निगम में संपत्ति कर जमा करके और फिर जो है लोगों को उसका मालिक बता करके और रजिस्ट्री कर दी है, जबकि उसके मालिक दूसरे लोग हैं। इस तरह से इन आरोपी गणों के करीब 10 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी गणों के नाम बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में हुई अतिवृष्टि के चलते किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके एक एक नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के महिलाओं के फटे जीन्स पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कमल पटेल ने कहा कि ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है जो कि कांग्रेस के शासनकाल में फली फूली है। कमल पटेल ने फटी जीन्स पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की एशियन भारत के ब्यूरो चीफ विनीत पाठक। मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल है वो चौपट हो रही है और इस वक्त कृषि मंत्री हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या राहत के लिए क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए और हमने भी निर्देश दिए हैं कि सभी कलेक्टर DDS अपनी राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम बनाए और गांव-गांव जहां 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 बारिश हुई है, ओले से फसल को नुकसान हुआ, उसका आकलन करें। किसान को संतुष्ट करने के लिए एक पंचनामा बनाए जिसमें सरपंच, पंच या गाँव के 5 लोगों के और वो किसान स्वयं नजरिए आकलन करके एक कापी उसको किसान को दें, एक कापी पंचायत में दें और एक कापी अपने पास रखें। इस प्रकार किसान भी संतुष्ट होगा। और मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कोरोना संकट के समय पूरा देश संकट में था, उस समय आपने घर से निकलकर खेत में पसीना बहाया जिससे अनाज पैदा किया और दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की, जनता की आपने सेवा की, जीवित रखा। और इसलिए जब आप संकट में हैं तो देश आपके साथ है। देश की भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। आपका संकट नहीं है, हमारा संकट है। और इसलिए आपको RBC 6-4 में और बीमा की सहायता जो भी हो सकती होगी वो पूरी दिलाएंगे ताकि आपकी क्षति की पूर्ति हो सके और आप खेती करते रहें, आप कर्ज में ना आए। सर्वे कब से शुरू हो जाएगा? शुरू हो गया, देरी नहीं, पहले से सर्वे चल रहा था और चल रहा है और पंचनामा बन के हो रहा है ताकि एक भी किसान असंतुष्ट ना हो, विरोधियों को या किसी को भी मांग करने की आवश्यकता ना पड़े। यह भाजपा की सरकार संवेदनशील सरकार है। इधर सर, कांग्रेस अभी भी कह रही है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही है, मैदान पे कुछ नहीं। ये जो जैसा होता वैसा दिखती, कांग्रेस हमेशा घोषणा करती आई है, अब तो वचन दे के भी धोखा दे दिया और इसलिए इनको धोखेबाजों को सभी वैसे दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं बात करने का। 15 महीने आप सरकार में रहे, आपने किसानों से वादा किया था 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे 10 दिन के अंदर, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, और आपने बदल गए, धोखा दिया। आपने लाखों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया काय पे, विज्ञापनों पर और प्रमाण पत्र, नाम ताम्र पत्र, और वो रद्दी की टोकरी में मिल रहे हैं, रद्दी में बेचारे कबाड़ खाने में। और इसलिए कांग्रेस को भी जनता ने कबाड़ खाने में डाल दिया और इनके प्रमाण पत्र भी कमलनाथ जी कबाड़ खाने में जल रहे हैं। ये स्थिति है, कितना धोखा दिया और कितना पैसा प्रदेश का खर्च किया फालतू, इसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी कराऊंगा। और मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके साथ बहुत धोखा किया कांग्रेस ने और इसलिए इनके खिलाफ 420 और 120 भी में राहुल गांधी और कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता जिन्होंने आपसे वचन पत्र भरवाया इनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाइए और ये जेल जाएंगे ताकि आगे से कांग्रेस कभी धोखा न दे किसानों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो बात कही फटी जींस को लेकर, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये भारत देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, हमारी माता बहनों को हम देवी के रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में कहा गया है कि पत्नी को छोड़कर बाकी सबको बेटी, बहन और माँ के रूप में देखें, हम देखते हैं। और हर आदमी चाहता है, हर परिवार चाहता है कि मेरे घर में, परिवार में महिलाएं, बेटियां, बहन है, माँ है, पत्नी, ये सुरक्षित रहें, इनके समाज में इज्जत हो। तो हमको बाकी की भी इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ये फटे कपड़े हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति है, और पाश्चात्य संस्कृति भारत की संस्कृति अपना रहे, वहाँ की महिलाएँ कपड़े पहन रही हैं तो हमको भी पहनना चाहिए, तो अच्छी बात। और हम तो हमारे घर में, परिवार में सब, हर भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन अच्छे से, उसकी इज्जत हो, सम्मान हो, तो कपड़े अच्छे पहनते। लेकिन उनके बयान के बाद महिलाएं ही विरोध कर रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। इस देश का दुर्भाग्य है
कि कोई भी देश हित का काम करो, अच्छा काम करो, तो कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत का सम्मान बढ़े, भारत के नागरिकों का सम्मान बढ़े, भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश आत्मनिर्भर हो। हर चीज़ में विरोध करना उनका काम ही है, कांग्रेस का और इनका। तो इन्होंने तो 60 साल कुछ किया नहीं, बल्कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज ये छोड़ गए और देश को लूट लिया, मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों और पूरा देश गरीब। ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं होगा, अब किसानों के पास, इसलिए गांव की आबादी का मालिक आना, किसानों के लिए कृषि कानून। और हमने देखी है चना सरसों मसूर पहले खरीदा तो 24,000 करोड़ रुपये ज़्यादा दिलाना किसानों को, और देश की सुरक्षा भी कर रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, देश बदल रहा है। अब ये सत्ता से बाहर हो गए तो इनको सिर्फ विरोध करना है भाजपा सरकार का, जो भी कोई अच्छा काम करे उसका विरोध करना, देश का विरोध करना इनका एजेंडा है, और इसलिए जनता की नज़र से गिर गए। जनता ने इनको नकार दिया, इनको कबाड़ खाने में फेंक दिया, अब इनके प्रमाण पत्र भी कबाड़ खाने में जा रहे हैं और ये भी कबाड़ खाने में गए। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के परिधानों पर टिप्पणी करना ये फटी मानसिकता है। नहीं, देख गलत बोल रहे हो, फटी मानसिकता तो उनकी है। क्या ये हमारी माता बहनों को ये संदेश देना चाहती कांग्रेस या कांग्रेस के नेता कि आप कपड़े मत पहनो, आप फटे कपड़े पहनो? कौन चाहेगा फटे कपड़े पहनाना अपने माता पिता, कौन माता पिता, कौन समाज चाहेगा? और इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम अपने बच्चों की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की रक्षा तो करो, उनकी तो इज्जत करो, उनसे उनके इसके भी उनको भी राजनीति में मत घसीटो। माताएं बहनें इज्जत और सम्मान का विषय, हमारे लिए गर्व की विषय, गौरव का विषय, उसको राजनीति का विषय या इस प्रकार फटे कपड़े पहनाने का विषय नहीं है। तो हमारे साथ थे कृषि मंत्री कमल पटेल, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस भी किसान का नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे काम शुरू हो चुका है और हर किसान की नुकसान की एक एक पैसे की भरपाई सरकार करेगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बयान उन्होंने फटी जींस को लेकर दिया है उसका वो साफ तौर पर समर्थन करते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अमित सेवत के साथ विनीत पाठक, एशियन भारत, भोपाल। स्मार्ट सिटी की रेस में तेजी से दौड़ रहे स्वच्छता में नंबर वन इंदौर शहर हमेशा अपने कार्यों से सुर्खियों में रहता है। इंदौर की प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई है, वहीं विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का नाम भी स्वच्छता की इबारत में जुड़ रहा है। खजराना गणेश मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था और मान्यता है, यहाँ भक्त बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन करने आते हैं, हार फूल भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करते हैं। अब इन्हीं हार फूलों से अगरबत्ती और हर्बल कलर बनाए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर के खजराना गणेश मंदिर ने जीरो वेस्ट टेंपल के रूप में एक अलग पहचान बनाई है। इस बार होली के उपलक्ष्य में मंदिर प्रशासन ने नई पहल की है। इसके तहत अब भगवान गणेश को अर्पित गेंदा गुलाब से पहली बार हर्बल पीले गुलाबी रंग के गुलाल बनाए जा रहे हैं। इसके चलते इस बार रंगों के त्योहार होली पर आस्था से अर्पित फूलों से बना रंग गुलाल चेहरे की रौनक बढ़ाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार हर दिन करीब 15,000 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वे हर दिन 5 से 7 क्विंटल फूल प्रभु को अर्पित करते हैं। तीज त्योहार बुधवार शनिवार को आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाता है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर भगवान गणेश जी महाराज को जो पुष्प माला और पुष्प चढ़ते हैं उनको यहाँ पर पिछले 5-6 वर्षों से जो निर्माण लिए यहाँ पर उतरता है उसका खाद बनाया जाता था। अब उस पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो फूल वगैरह निकलते हैं उसकी धूप बत्ती बनाई जा रही है और होली के कलर भी बनाए जा रहे हैं, गुलाल भी बनाया जा रहा है। इस बार होली पे उसके विक्रय हेतु यहाँ मंदिर परिसर की दुकानों पर रखाया गया है। एक यहाँ पर जो खाद बनाने वाली जो समिति है उसको दिया है, वो उसका मतलब उसका जो भी खर्चा वगैरह निकाल के यहाँ पे उस लागत पे यहाँ पे रखा गया। वैशाली डैम में पानी नहीं होने का मुद्दा गरमाने लगा है, वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आला नेता भी मैदान में आ चुके हैं, जो की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। भिंड के गोहद में कांग्रेस ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, विधायक मेवाराम जाटव शामिल हुए। आम सभा में कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी सरकार रही। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर विधायक मेवाराम जाटव ने पेयजल योजना को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक मेवाराम जाटव जनता की समस्याओं को हल करने और सांसद प्रत्याशी रहे देवाशीष को पार्टी लाइन के अनुसार काम करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस में थे तो महाराज कहलाते थे, जो कि 1 साल के बाद ही भाई साहब हो गए। इस गोहद के बेसी डैम को खाली कर दिया, 1 करोड़ रुपए तक की मछली बेचती। उनने ये नहीं सोचा कि हमारी गोहद की जनता
का पानी कैसे मिलेगा? शिवराज सिंह तो आश्वासन के चाचा जी कर गए, यहाँ तीन तीन बार खोद की योजना मंजूर कर गए पेयजल, और आज तक वो क्रिया बनी हुई केवल धक्का रखने का काम करते रहे, बाकी हमारा कुछ है नहीं। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नेता न हुआ है न होगा। तो हमें इस बात का दुख है कि सिंधिया महाराज हमारे अच्छे खासे यहाँ हरते, गुरु मान सम्मान उनको हो रहे थे, हम उन्हें महाराज 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 कह रहे थे, अब उन्हें भाजपा ने महाराज से भाई साहब बना दो। भाई साहब आइए, भाई साहब आइए, भाई साहब अब जो कांग्रेस महाराज को महाराज बनाए रखा, भाजपा ने एक साल में महाराज को भाई साहब बना दिया। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के आदेश पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद के आदेश का पालन सभी को करना है। उसके बावजूद भी शहर में अपना स्वीट्स के आउटलेट तय समय के बाद भी चलते रहे। बंद के पहले दिन जहां पलासिया पुलिस ने नवनीत टावर स्थित अपना स्वीट्स पर कार्रवाई की थी, वहीं दूसरे दिन यानी गुरुवार रात विजयनगर क्षेत्र स्थित अपना स्वीट्स पर पहुंचकर पुलिस ने दुकान को बंद कराया। दरअसल अपना स्वीट्स की दुकान तय समय के काफी देर बाद भी खुली दिखी। जब पुलिस यहां पहुंची तो 100 से अधिक ग्राहक दुकान के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में लिया है, जबकि दुकान मालिक प्रकाश राठौर और भूपेंद्र राठौर नहीं मिले। दुकान मैनेजर ने स्वीकार किया कि दुकान तय समय के बाद भी चालू है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SP आशुतोष बाखरी ने दुकानदार पर भी कार्रवाई की बात कही है। कौन बैठे हुए? तो ये इनको निकालना नहीं है क्या आपका काम? कितनी बज गए अभी? 10:15 हो गए है ना? क्या थे कि 10 से लेकर के 6 बजे तक इसमें सभी को अपनी दुकानें बंद करनी है। बार बार पुलिस के इंस्ट्रक्शन के बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया, आधा शटर खोल करके वो अपना सामान बेच रहे थे और ग्राहकों को अंदर किए हुए थे, तो गलत है और इस पे उनपे कार्रवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इंदौर पहुंचे। गिरीश गौतम ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद विधानसभा को लेकर मीडिया से चर्चा की। विधानसभा में किए गए नवाचार को लेकर गिरीश गौतम ने कहा कि इस बार विधानसभा में नए विधायकों और पहली बार प्रश्न पूछने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि उनके सहयोगी के रूप में बोलने वाले अनुभवी विधायक अपनी बात पहले करते हैं, बाद में उनकी, इसलिए यह नियम लागू किया जाता है। वहीं विपक्ष के जल्दी सत्र खत्म होने पर गिरीश गौतम ने कहा कि सत्र कितना लंबा चले उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि विधानसभा में हुई चर्चा पर कोई निष्कर्ष निकले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 3 समितियां बनाई गई है, ताकि विधानसभा में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी बातें स्पीकर तक प्रभावी रूप से पहुंचा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा एक परिवार की तरह है जिसका मुखिया फिलहाल मैं हूं, इसलिए उनकी समस्या का निराकरण करना भी मेरा दायित्व है। 3-4 चीजों का नवाचार मैंने शुरू किया। एक तो ये कि जो प्रथम बार के विधायक आते हैं उनको अवसर कम मिलता है अपनी बात उठाने का या रखने का, क्योंकि हमारे यहाँ सलाहकार सिस्टम होती है, उससे जिसके लॉटरी में आएगा वही आएगा। तो मैंने ये तय कर लिया कि जो प्रश्नकाल के भीतर जितने प्रश्न प्रथम बार वालों के हैं उन्हीं को लॉटरी में डालो, तो 25 के 25 जो निकलेंगे केवल प्रथम बार वाले निकलेंगे। और मैंने करके देखा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने तारीख पर विधानसभा चलाते हैं, आप 100 दिन चलाइए ना, वह 100 दिन के भीतर यदि कोई बहस नहीं हुई, कोई सार्थक संवाद नहीं हुआ, कोई सार्थक परिणाम निकला, तो 100 दिन की गिनती करने का क्या अर्थ है? यदि हम कम दिनों में ही ज्यादा समय दे करके हम वहाँ ज्यादा संवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, जो किया इस बार उसे काफी है उतना। दूसरा ये है कि इस कारण से नहीं बंद किया गया कोई, अभी तो सब ठीक है चल रहा, तो कोई गड़बड़ थोड़ी था, सब ठीक था। वो कोरोना का हमारे कर्मचारी, हमारे मार्शल कई आ गए, 5-5 विधायक कोरोना से पीड़ित हो गए, और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। सरकार का नाइट कर्फ्यू धारा 146 लगने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि विधानसभा चलाए रखने से एक संदेश गलत जाता, इसलिए हुआ कि हम ही सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है, जहां सिंगरौली में भूमाफियाओं के विरुद्ध छेड़े सघन अभियान के तहत मोरवा क्षेत्र के ग्राम पंजरे में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई फैक्ट्री और भवनों को जमींदोज किया गया है।
भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों को प्रशासन द्वारा लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। जहां सिंगरौली कलेक्टर के निर्देशन पर एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार, एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक एवं तहसीलदार सिंगरौली नगर जितेंद्र वर्मा द्वारा सरकारी जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि पाए जाने पर गठित दल की सहायता से 1,08,00,000 कीमत की 53 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हम लोग मेरे साथ एसडीओपी मोरवा और तहसीलदार और पुलिस टीम नगर निगम की टीम है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अगर बात करें तो कितने घर अभी ऐसे हैं जिनका अवैध अतिक्रमण हटाया गया? अभी इसके बाद एक और घर है जो साइड में है, फिलहाल मतलब क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे और जैसे भी जैसे सूचना मिली जाएगी और इस पर पंजीकृत करके इस टाइप की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अतिक्रमण बहुत पहले से चला है, इनको वार्निंग भी दी गई थी और इन्होंने हटाया नहीं, फिर इन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए 238 का इनको नोटिस दी गई, आदेश पारित किया गया और दंड रिपोर्ट किया गया। आज की डेट नोटिस दे के मुकर्रर की गई थी कि आज आपको अच्छे से सामान हटा देंगे, अभी तक नहीं हटाया गया था, जिससे आज बलपूर्वक नगर निगम द्वारा शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी के 8 बिंदुओं में जो प्रमुख बिंदु है कि अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसी तारतम्य में तहसीलदार महोदय और SDM महोदय के द्वारा बेदखली आदेश पारित कर दिया गया था और उसमें 17-18 दिन हो जाने के बाद, काफ़ी समय दिए जाने के बाद ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसमें हम लगातार सूचना दे रहे थे और नोटिस वगैरह भी जारी किया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा और लंबे समय से इनका अतिक्रमण काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत छपरा के पूर्व सरपंच की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बारीकी से मामले की छानबीन में जुटी है, साथ ही आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन कारणों के चलते उसने पूर्व सरपंच की हत्या की। पूरी घटना पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम छपरा की है, जहां गतारी गांव के पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट बीती रात घर के बाहर सो रहे थे, तभी गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उनके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मृतक और आरोपी का प्रतिदिन साथ में उठना बैठना होता था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात में सो रहे थे, कमल सिंह पूरी रात में आया और कुल्हाड़ी से दो बार वार किया, कुल्हाड़ी से। आपको कैसे पता चला? पिताजी पड़े थे हमारे पास में, सामान कुल्हाड़ी मारी तो चिल्लाने पे उठ के मैंने देख लिया कि कमल सिंह बच गए। ये विजय सिंह जाट है, ये अपने घर के बाहर खटिया पे सो रहे थे तो रात में लगभग 1 बजे कमल सिंह कोरी है, उसी गांव का है, उसने उनको कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वह ग्वालियर में इलाज के दौरान खत्म हो गए। सर, आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए? आरोपी की तलाश जारी है। जबलपुर पुलिस को अवैध पार्किंग मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जहां उमती थाना पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भवरताल गार्डन के पास बने मकानों और मार्बल सिटी अस्पताल की पार्किंग पर खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की, जहां अचानक हुई इस कार्रवाई पर आसपास के रहवासियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। लोगों का कहना है कि कल्चर स्ट्रीट बनने के बाद उनके लिए पार्किंग की कोई जगह ही नहीं बची, जबकि नगर निगम को हमने अपनी जगह दी है, इसके बावजूद भी इन्होंने 18 मीटर बनाने का कहकर 15 फीट की रोड निर्माण कर दी, जिसके कारण उनके पास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वहीं पुलिस द्वारा जब मार्बल सिटी हॉस्पिटल के बाहर अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की गई, तो वहां मौजूद मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन के गार्ड द्वारा ही उनसे अवैध पार्किंग में वाहन खड़े करवाए गए। वहीं जब अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में पूछताछ की गई तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और जब हम अपने ही घर के सामने गाड़ी पार्क करते हैं जो हमको पहले दी गई थी, तो ये पुलिस आती है और यहाँ पर हमारे चलान करे जाते हैं। तो आज की डेट में ना हमारे पास पार्किंग की सुविधा है और आज की डेट में यहाँ हजारों लोग अफेक्टेड हैं जो अंदर रहते हैं, ना तो यहाँ से फायर ब्रिगेड आ सकती है ना तो यहाँ से एम्बुलेंस आ सकती है। इस बात को ना ही नगर निगम ने अपने किसी प्लान में लिया है, इस बात को ना ही विचार करा है। मात्र एक दिन में आके अराजकता के रूप में यहाँ पर हमने कल्चरल सीट बना दी थी, जो बहुत गलत है। और उसके अतिरिक्त जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी गाड़ियों के चलान तो ना हो, उसमें भी आके इन लोग गाड़ियों के चलान करते हैं।
रहे जिसमें आप इस किराए पर दिए गए हैं, इसकी पूरी पार्किंग रोड पर लोग कर रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, दोनों ने ही अपने अधीन आने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराएं, जिससे लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद पर काबू पाया जा सके। लेकिन शासकीय अस्पतालों में लापरवाही का आलम बना हुआ है। जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का ट्रायल देने आई महिला जूनियर हॉकी खिलाड़ी कोरोना टेस्ट के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन उनका टेस्ट यहां के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्तर की जूनियर हॉकी टीम की महिला खिलाड़ी आई हुई हैं, जिनका ट्रायल से पहले मेडिकल चेकअप और कोरोना टेस्ट होना है, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता के चलते विभिन्न जिलों से आई खिलाड़ी अस्पताल के चक्कर काटती रही, पर उनकी जाँच नहीं हो पाई। जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए कोई भी डॉक्टर उपलब्ध ना होने से खिलाड़ियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। एक तरफ जहां सरकार भीड़ इकट्ठा ना करने की नसीहत देती है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में 150 खिलाड़ी मौजूद थीं, पर कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। डॉक्टर भी नहीं मिला है, मेडिकल के लिए करवाना था तो डॉक्टर भी नहीं मिला है। क्या परेशानी आ रही है? मेडिकल करवाना था तो डॉक्टर के सिग्नेचर चाहिए थे, डॉक्टर है नहीं। कब से आए हैं आप? अभी हम सुबह से आए हैं 10 बजे से। कोई डॉक्टर है ना ही, हमारा कोविड टेस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कितनी छात्राएं आई हैं आज टेस्ट कराने? कम से कम अप्रोक्स 100 to 150 अप्रोक्स गर्ल्स आए हैं, बहुत सारे सब परेशान हो रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों का कोविड टेस्ट मेडिकल टेस्ट हुआ है? नो सर, अभी मेडिकल नहीं हो पाया है। कोविड तो हो गया है लेकिन मेडिकल नहीं हुआ है। कोई जानकारी दी जा रही है कि कब तक होगा? नो, कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है। कोई जिम्मेदार कोई नहीं बता रहा है? नो। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, वहीं रसूखदारों से लेकर राजनेताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके खिलाफ संबंधित विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जबलपुर के तिलवारा में सरपंच द्वारा किए जा रहे अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की तो उसके द्वारा एक व्यक्ति पर शिकायत की आशंका के चलते उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि अवैध खनन की शिकायतें लगातार आती रही है। जबलपुर के तिलवारा क्षेत्र में खनिज विभाग व पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहां के सरपंच राजेश पटेल द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए राजेश पटेल के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया। सरपंच का क्षेत्र में इतना दबदबा है कि उनके द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की शिकायत कोई नहीं करता। उसे शक था कि उसके खिलाफ संजय पटेल ने शिकायत की है। इस शक के आधार पर वह संजय पटेल के घर पहुंचा और धक्का मुक्की की और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत राजेश पटेल द्वारा एसपी से की गई। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने राजेश की शिकायत के आधार पर तिलवारा थाना प्रभारी को अवैध उत्खनन और जान से मारने की धमकी देने वाले सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। बाइट संजय पटेल, बाइट सिद्धार्थ बहुगुणा। कौन लोग थे ये, क्या नाम है? नाम है सरपंच पति राजेश पटेल, संतोष पटेल, रामजी पटेल, प्रदीप पटेल, अनिकेत पटेल, उपलल्लू, और भी इन लोगों के साथ में कम से कम 10 से 12 लड़के और इन लोगों। कहना है कि जो उसमें शामिल थे उस अवैध परिवहन में, वो लोग उनको गुटा धमका रहे थे। इसमें इन्होंने मुझको सूचित किया, मैंने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया, वहाँ कोर्ट भेजा और इन पर कार्रवाई हुई, FIR हो गई है, आगे इसमें कार्रवाई की जाए। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा के समीप ग्राम जैतपुर में संत मोनी सर्वोदय महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें शिविर के माध्यम से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए रैली एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना काल के दौरान छात्राओं और संस्था द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक भी किया गया था, जिसकी प्रशंसा ग्रामवासियों द्वारा की गई। इस 7 दिवसीय शिविर अवसर के समापन पर संस्था प्रबंधक डॉक्टर प्रकाश जैन, प्राचार्य किरण जैन, कार्यक्रम अधिकारी अरुणा जैन के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन अवसर था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा एक उद्देश्य होता है राष्ट्रीय से छात्राओं का व्यक्तित्व विकास और उनको आत्मनिर्भर बनाना। ने जन जागरूकता रैली निकाली, उसमें हम बाल विवाह, भ्रूण हत्या, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए उन पर प्रयास किए हैं और मास्क वितरित भी किए हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इससे जबलपुर भी अछूता नहीं है। शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने शासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी के चलते राज्य सरकार ने जबलपुर को संवेदनशील जिला घोषित किया है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। वहीं सरकार द्वारा तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को मिलाकर कुल 23,800 टीके लगाए जाने थे, लेकिन अभी तक महज 5,500 टीके ही लगाए जा सके हैं। 73 केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है, लेकिन लोग टीकाकरण के प्रति गंभीर नहीं हैं। इस वजह से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। हालांकि टीकाकरण में पिछड़ने के बाद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एस आर दहिया ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि टीकाकरण की गति में तेजी आएगी। फ्रंटलाइन वर्कर को भी हमने लगभग टारगेट तो किया था 17,000 के लगभग, और 14,500 लोगों को उनको भी लगाया, ठीक है। फिर सेकेंड डोज हमारा शुरू हुआ 8 मार्च से उनके लिए, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, जिसमें हमने अभी 6,500 लोगों को लगा चुके हैं। आज और कल उनके लिए है लास्ट डे रखा है, उसके बाद हम 60+ में फोकस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी 60+ हमने चालू कर दिया था 1 मार्च से, जिसका लगभग आंकड़ा हमारा 28,450 के लगभग पहुंच गया है, जो 60+ वाले हैं। और 45 से 60 वाले हमने लगभग 4,500 लोगों को लगा चुके हैं अभी तक। ऐसा देखा जाए तो हमारा टोटल हमने लगभग 90,000 के लगभग पहुँच चुके हैं, ताकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा, कोविड वैक्सीनेशन का। आज से हमने कुछ नए सेंटर भी चालू किए जो गाँव स्तर पर हैं। मैंने देखा था रूरल में बहुत कम कवरेज हो रहा था, हो सकता कि CSC लेवल पे लोग नहीं आ रहे थे, तो हमने ये PSC और सब सेंटर लेवल में आज से चालू किया, तो टोटल मिला के हमारे आज 73 सेशन है। स्वास्थ्य विभाग ने जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन प्रत्येक जिलों में भेज दिया है। इन वैक्सीन को टीकाकरण केंद्रों में भी भेजा जा चुका है, लेकिन जिन्हें टीका लगाना है उन्हें उत्साह की कमी की वजह से टीकाकरण केंद्रों में शांति नजर आ रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरादिया का मानना है कि कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। ये मुझे अभी वर्तमान में एग्जैक्ट फिगर बताना मुझे मुश्किल है, क्योंकि मैंने कल ही चार्ज लिया है। फिर भी हमारा टारगेट जो है उसके हम 80 से 85% चल रहे हैं। कल भी लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिनका सेकेंड डोज छूटा हुआ है, कुछ कारणों से हम प्राथमिक तौर से उनका सेकेंड डोज कंप्लीट कर रहे हैं, और अन्य जो 65 वर्ष से ज़्यादा लोग हैं, हम ज़्यादातर लोगों का टीकाकरण करना चाह रहे हैं। आज हमने लगभग 76 सेंटर्स में टीकाकरण की व्यवस्था करी है, और आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाएंगे। प्रदेश में आए दिन वारदात की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं रीवा में महिला ने घर पर सांप होने की बात कहकर व्यक्ति को घर में बुलाकर अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर मारपीट की। घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मामला सीधी का है, जहां सीधी के सेमरिया गांव में रहने वाला साकेत रात में 10 बजे अपने खेत में लगी फसल में पानी लगाकर अपने घर जा रहा था। वहीं क्षेत्र में रहने वाली महिला ने रमेश को अपने घर में सांप होने की बात कहकर घर में बुला लिया, जहां महिला ने उसके पति और बच्चों के साथ मिलकर रमेश के साथ मारपीट की। घटना में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़ित का उपचार किया गया। वही मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब फिर मेहरीबा का जब मारे के बाद जब बेहोश हो गया है, तब फिर मेहरीबा का हंसिया दीनी था, हंसिया भय फिर काटी सी अये साहब, हंसिया पकड़न की है वो कटा है अये, हाँ पूरा जामस से काट दिया, रिपोर्ट दर्ज कर दी, हाँ पूरा रिपोर्ट वहाँ से मरियम हुई है, वहाँ से लेके भगे। सौ नंबर का अपने फोन लगाया था, 100 नंबर पहुंची पे 108 गए। तो पहले कोई विवाद कुछ रंजिश थी? विवाद है कुछ नहीं साहब, विवाद ऐसा ना कि टिबा बहन के लहरा पर साल खेत तो चोरी चमारी की नहीं, सोए भगवान जाने का की नहीं, तासम को खेत नहीं दी नहीं। वो आया है, उसके साथ उसने असॉल्ट की हिस्ट्री दी है, और उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो एम्पुटेट लेके आया था अपने साथ में अलग, और उसकी संभावनाओं पर उसके री इम्प्लांटेशन के लिए
डॉक्टर्स जो हैं वो संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट आया है तो संभावनाएं बहुत कम हैं, पर मरीज की हालत ठीक है, उसको भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। फसल अच्छी हो जाए तो मंडी में दाम नहीं मिलते, खराब हो जाए तो सरकार मुआवजा नहीं देती, और फिर प्रकृति की मार पड़े तो किसान को कोई पूछने वाला नहीं होता। देश भर में किसान MSP की मांग और केंद्र द्वारा लागू किए जाने वाले 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसकी लड़ाई का अंत नहीं होता। वहीं महू के किसान पर अब की बार ओलों ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग द्वारा पिछले 3 दिन से संभावनाएं जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई थी। ये संभावनाएं सच में तब्दील हो गई है। शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के अनेक इलाकों में काले घने बादल छा गए। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई तो कहीं तेज बारिश हुई। महू के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार ओलावृष्टि हुई है। इस ओलावृष्टि में खेतों में रखी किसानों की फसल नष्ट हो गई। गौरतलब है कि कुछ खेतों से गेहूं काट लिया गया तो कहीं फसलें तैयार खड़ी है, जिनमें लहसुन, गाजर व अन्य सब्जी की फसलें शामिल है। पीतमपुर के कुछ सेक्टर भी इस ओलावृष्टि से बच नहीं पाए, यहाँ के खेत भी ओलों के चादर से सफेद हो गए। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसको लेकर किसान चिंतित है। गौरतलब है कि किसान अपनी फसलों को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है, लेकिन जब इसका दाम लेने की बात आती है तो कभी मंडी में दाम नहीं, तो कभी सरकार की नीतियां उसकी फसल का दाम पूरा नहीं होने देती। सबके बाद जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो किसान अपने ही खेत को शमशान समझ बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN भारत, महू।